और हर जिले से आवाज उठेगी कि हम सब एक हैं और सरकारें इस तरीके घिनौने अपराध रोकें, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। नहीं हमारा भोजन समाज चुप नहीं रहने वाला है। हम दलित समाज की बहन बेटियों के लिए तो 144 धारा लगी हुई है, लेकिन उनके लिए 144 धारा नहीं है। वो कई कई गाँव के लोग मिल करके धमकियां देते हैं और उनके साथ में बाकायदा पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करता है। बिटिया के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया को न्याय दो, न्याय दो। भारत में जातिवाद आज हम उपस्थित हैं कमोली ग्राम थाना अटेरिया सिधौली सीतापुर पर में। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी मदारी पासी जी की जो 161वीं जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाने के लिए लक्ष्य के भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य टीम ने यहाँ पर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इस गांव के लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अपना कीमती टाइम दिया और इस प्रोग्राम को इतना अच्छा सा इन्होंने तैयार किया और बनाया जिससे कि ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक सफल हो सका। तो आइए हम लक्ष्य की जो कमांडर है उनसे बात, क्योंकि जो मदारी पासी जी हैं उनके ही जन्मदिन पर उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं लक्ष्य कमांडर संगमित्रा गौतम, जिनसे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय और धन्यवाद आपका मंजुला जी। मैं संगमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर। आज हम ग्राम कमोलिया में उपस्थित हैं अपनी पूरी लक्ष्य टीम के साथ, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो टीम है उनके साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज फ्रीडम फाइटर मदारी पासी जी की 161वीं जयंती है। वो हरदोई ज़िले में उनका जन्म हुआ था, संडीला के मोहन खेड़ा में, और उन्होंने एका किसान आंदोलन चलाया था। पहली बार उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था यहाँ के बहुत सारे ज़िलों में, तो अंग्रेज और जमींदारों की उन्होंने नींद हराम कर दी थी, तो बहुत ही सफल आंदोलन था। तो चूंकि जो व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने, जो ऊंच नीच की व्यवस्था मानते हैं, उन्होंने इनके बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं लिखा, हमारे बहुजन समाज के लोगों को ही बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम चूंकि अब सामाजिक हैं, संगठन है हमारा, तो हम अपने महापुरुषों की समय समय पर जयंतियाँ और उनकी पुण्यतिथियाँ मनाते हैं और अपने समाज में जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और दूसरी एक बात ये है कि वो बेटी जो हाथरस में जिसके साथ में सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, और उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर अभी एक प्रोटेस्ट निकाला गांव भर में, और बहुत सारे गांव के पूरे लोग, महिलाएं, बच्चों ने बहुत ही जोश के साथ में इस प्रोटेस्ट में, कैंडल मार्च में हमारा सपोर्ट किया, सहयोग किया। तो हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने लक्ष्य टीम को यहाँ पर बुलाया। और ये आज उत्तर प्रदेश में, भारत में महिलाओं पर, अनुसूचित जाति की महिलाओं पर खासकर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, अत्याचार महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहा है। और दुख तो इस बात का होता है कि हमारे नेतागण जो है तो बहुत ही गलत सलत बयानबाजी करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनके घर में महिलाएं, बेटियां, बच्चियां नहीं हैं। तो बहुत ही दुख होता है, ये संवेदनहीनता जो हम समाज में देख रहे हैं ये बहुत ही आने वाले टाइम के लिए अच्छी नहीं है। और जिन्होंने ये अपराध किया है तो पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे नेता, MP, MLA उनको बचाने में लगे हुए हैं। नेतागण, MP लोग उनसे जेल में मिलने जाने का प्रयास करते हैं, वो बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं जबकि 144 धारा लगी हुई है। हम दलित समाज की बहन बेटियों के लिए तो 144 धारा लगी हुई है, लेकिन उनके लिए 144 धारा नहीं है। वो कई कई गांव के लोग मिल करके धमकियां देते हैं और उनके साथ में
बाकायदा पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, और जिसके लिए हमें सब लोगों को एक आवाज़ कर इन बहन बेटियों के साथ जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं इनको न्याय दिलाना होगा, और पुलिस प्रशासन जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की संगठन मांग करता है। संगमित्रा मैम से बात करके ऐसा लगा कि जिस तरीके से जब समाज पर जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, जिनके हाथों में हम सत्ता देते हैं, जब वही अपराध करने लगते हैं और वही अपराधियों को भी शय देने लगते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे सामाजिक लोग जो होते हैं, जो सामाजिक चिंतक होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे जा रहा है, उसके लिए अगर हम अभी नहीं लड़े तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी को ही सुरक्षित रखने के लिए हमारे भी जो महापुरुष हैं उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो जिम्मेदारी वो दायित्व अपना समझते हैं कि हमें भी आगे चल करके इन जो हमारा जो समाज है इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, इसलिए वो अपना दायित्व तो कर्तव्य समझ करके वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ एक और लक्ष्य कमांडर जो उपस्थित हैं रेखा आर्य मैम जी, उनसे भी जानेंगे कि जब ऐसे जुर्म और ज्यादति जब बढ़ जाती है तो जहाँ पर पुरुषों को भी निकलना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष प्रधान जो सत्तात्मक भी देखा जाता है कि जहाँ भी देखा जाए गांवों में तो सबसे ज़्यादा रहता महिलाएं निकल के ही नहीं आती, बहुत मुश्किल में निकल के, तो जो प्रोग्राम रहा ये सफल बनाने में गांव वालों की कितनी बड़ी भूमिका रही और लक्ष्य कमांडर का उन्होंने कहाँ तक साथ दिया, इसमें महिलाओं पुरुष का कितना भागीदारी रहा, इसके बारे में हम जानेंगे रेखा आर्य मैम जी से। मैम जी आपका स्वागत है। जी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मंजुला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शालिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज हमारी लच की टीम एक कमोलिया गांव में उपस्थित है अपनी टीम के साथ में, आज मदारी पासी का जन्मदिन है, गांव वालों ने बहुत साथ दिया और उनके जन्मदिन पे सबने हमारी कमांडरों ने बताया क्या उनका उद्देश्य था, क्या मकसद था, कितना उन्होंने संघर्ष किया, और जो लोग अपने समाज के महापुरुषों को नहीं जानते हैं कि उनका कितना संघर्ष या उद्देश्य है, उस टाइम में उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, छेड़ा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पूरे गांव वाली महिलाएं, पुरुष भाई दूसरे गांव से भी हमारा युवा निकल करके आया, इसको सफल बनाया, और इस तरीके से जो देखा जाए बेटी के साथ ये मनीषा वाल्मीकि जो ये हतरस की घटना है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरीके से देखा जाए कि उसको 14 तारीख की घटना थी, एक हफ्ते बाद उसका जो है FIR दर्ज हुई, और क्या वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी इसको दबा के रखा, राजनीतिक लोगों ने दबा के रखा, जितने हमारे संगठन हैं वो आवाज़ भी लगाते रहे, जो सामाजिक संगठन है उनकी कौन सुनता है, जब सरकारें जिस चीज़ को दबा रही हैं उनकी कौन सुनने वाला है। तो इस तरीके से घटनाएँ ना हों, वो बलरामपुर की बहुत दर्दनाक घटना है, उस बेटी के साथ जो है गैंग रेप हुआ, उसके पैर तोड़े गए, एक ऐसे सरोसा गांव की घटना है, तो बच्चियों के साथ ना घटनाएं हों, इसलिए हम लोगों ने देखा जाए कि आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर रोकना है तो सरकारों के इन घटनाओं को रोकना चाहिए, जो बच्चियों के साथ ये दरिंदे जो ये देखा जाए खूनी खेल खेल रहे हैं, उनके साथ रेप करके उनकी हत्याएं कर दे रहे हैं, अगर सरकारों को रोकना है, पुलिस प्रशासन को रोकना है, तो इन घटनाओं को रोकना, और हम लोग रोकने से कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है, और जब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी तब तक इसी तरीके से भारतीय समन्वय संगठन सड़कों पर उतरता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा, और देखा जाए इस घटनाओं पर पूरा बहुजन समाज निकला है, ये बहुत अच्छी बात है, पता लगता है कि एकता है, हमारे 85% लोग दिखते हैं, और इस गांव में आज हम लोगों ने जो है देखा जाए कैंडल मार्च निकाला, यहां से वहां तक गांव में गए और उसके बाद फिर से वापस आए, पूरी महिलाओं ने साथ दिया, छोटे छोटे बच्चों ने साथ दिया, बच्चियों ने साथ दिया, यहां के पुरुषों ने साथ दिया, तो इससे लगता है कि हमारे लोग एक हो चुके हैं, हमारे लोगों के अंदर जागरूकता हो गई है, अगर ऐसी बेटियों के साथ इस तरीके अपराध नहीं बंद हुए तो इससे बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, और हर जिले में आंदोलन करेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में हमारी टीमें काम कर रही हैं, और हर जिले से आवाज़ उठेगी कि हम सब एक हैं, और सरकारें इस तरीके घिनौने अपराध रोकें, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ने हमारा बहुजन समाज चुप नहीं रहने वाला है, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो,
हम उनका घेराव करेंगे और अपने अधिकारों को इस तरीके से बरकरार रखेंगे भारत में, और भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, भारत को आज़ाद कराएंगे, किसी को गुलाम नहीं करने देंगे। आप अपना नाम बताइए। कंचन नैना। तो कंचन नैना जी, ये बात बताइए कि जैसे आप भी अभी युवा हैं और जिस तरीके से हम अभी सत्ता की भी बातें देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने फैसले लेती चली जा रही, तो इससे ना जो यूथ है, आप एक यूथ है, तो आप बताइए क्योंकि आप लड़की भी और यूथ भी हैं। अभी जिस पे बात कर रहे हैं हमने मैम जी को बात सुना करते हुए, तो ये भी एक महिला ही जिसके साथ ऐसे अपराध हुए, और उसके साथ साथ आप यूथ भी हैं जिसके सत्ता ऐसे सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे यूथ का जो है वो भविष्य ही खतरे में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी यूथ हैं, हमारी जो महिलाएं हैं और जो गांव समाज से आती हैं अधिकतर महिलाएं और लड़कियां, उनको जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा। जब तक वो जागरूक नहीं होंगी, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी नहीं, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगी, तब तक उन पर अत्याचार होते रहेंगे। और हमारे हम पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमको जागना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। अपना नाम बताइए। मैं लक्ष्य कमांडर कुलदीप सिंह बौद्ध, और मैं यही कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से ज़्यादा से यही शेयर करना चाहूँगा कि जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, जो एक नारी का सम्मान और अधिकार की बात करता है, जो हमारे बहनों के साथ में, हमारे महिलाओं के साथ में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको फांसी तो होनी ही चाहिए। तो हम लोग एकजुट होकर के एक आवाज़ करते हैं, और इसी के साथ जो हम भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का पूरा समर्थन करते हैं और आंदोलन चलाते हैं कि हम जब तक उन दोषियों को फांसी नहीं हो जाती है, और जो लोग हमारे समाज की माँ बहनों पे अत्याचार करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पे निकलते रहेंगे, घर घर गांव गांव सड़कों पे जाते रहेंगे। जय भीम नमः बुद्धाय। हमारे बीच में इसी गांव की एक बच्ची हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा यह प्रोग्राम और इस मुहिम के साथ हैं या नहीं। जी मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम, और आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब शिक्षा मैं अपने गांव वालों से और आप सभी लोगों से बताना चाहती कि आप अपने आंदोलन को इसी तरह जारी रखिए, और हम सब लोग आपके साथ हैं, और बच्चों को हम सभी से अनुरोध करते हैं कि नारी शिक्षा को विशेष जोर दिया जाए और वो शिक्षित बने और अपने अधिकारों को पहचाने, ताकि जो उनके साथ हो रहा है अन्याय वो उसके प्रति संघर्षशील हों और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने की क्षमता रखे, लड़ सके। जय हिंद। जय भीम नवोदय। मैं लक्ष्य कमांडर पुष्पा भारती, भारतीय समन्वय संगठन से। आज इस गांव में मदारी पासी जी का जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लक्ष्य कमांडर बहनें इकट्ठा हुए हैं, और बेटी मनीषा के जो बलात्कार हुआ है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ कैंडल मार्च निकाली, तो गाँव वाले सभी शामिल रहे, और यहाँ मतलब ये देख कर लग रहा है कि यहाँ सब एकजुट हैं और जो है न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे। मैं लक्ष्य कमांडर विजय कुमार गौतम, ग्राम कमोलिया, ग्राम पंचायत जयपालपुर, थाना अटरिया, सिदौली, सीतापुर से। आज हमारे ग्राम कमोलिया गांव में हमारी गांव की समिति के सहयोग से और हमारे लक्ष्य कमांडरों के सहयोग से हमारी भारतीय समन्वय लक्ष्य संगठन की टीम ने आकर यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी श्री मदारी पासी जी की 161वीं जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट किया, और साथ ही अपने महापुरुषों को जगाने के लिए जो है काफ़ी विषयों पर चर्चा की गई। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य टीम की सारी महिला कमांडर भी उपस्थित रहीं, और उन्होंने काफ़ी बढ़िया विषय से चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक रहने की और शिक्षा के प्रति और समाज के प्रति किस प्रकार कैसे क्या करना है काफ़ी जो है बताया, और सभी कमांडरों को अच्छी अच्छी बातें बताई, और जो है हमारे
समाज के महापुरुषों के बारे में जानने के लिए कहा और उनको उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो मेरा संदेश यही है, मैं लक्ष्य कमांडर विजय कुमार, मेरा संदेश यही है कि सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों, शिक्षा को अपनाएं और अपने परिवार में, अपने घर या अपने गांव में सम्मिलित भाईचारा को अपनाएं और सभी लोगों के साथ सहयोग करके अपने संगठन को मजबूत करें, अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने समाज को मजबूत करें, ताकि ये आने वाली ये भगवा सरकारें जो है हमारे समाज का कुछ बिगाड़ ना सके। हम लोग को इसके लिए एक विषय पर, एक मुद्दे पर आवाज़ उठानी है, दबना नहीं है और जोश के साथ, होश के साथ हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। हमने लक्ष्य टीम से हमने बात किया तो हमें पता चला कि उनका इस गांव में प्रोग्राम करने का क्या मकसद था और कैसे किया, क्योंकि एक मुझे एक बात याद आती है कि जो यूथ है जो देख रहे हैं उनके साथ कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है, तो ये जो यूथ है जो भी देख रहा है वो इससे जुड़े, इस मुहिम के साथ जुड़े और अपने अधिकारों को पहचाने, क्योंकि ये आगे आने वाला हमारा भविष्य है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो अपना, वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं लेकिन ये भविष्य हमारा है, तो हमें इस मुहिम से जुड़ना ही पड़ेगा हमारा भविष्य बचाने के लिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाहर मकानों से, बाहर मकानों से, अभी तो ये अंगराई है, सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, खबरों में बने रहें।